नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 16 अक्टूबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्थिरता के साथ पूर्णता को लेकर कंप्लीटनेस स्टेबिलिटी लेते हुए आगे बढ़ने का है। अपनी सिचुएशंस को, परिस्थितियों को काबू में लाने के लिए आपको और ज़्यादा स्किल सेट डेवलप करने की ज़रूरत है, जिस पे अब आप काम कर रहे हैं। काफ़ी लाभदायक परिस्थिति आज के दिन हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स की तरफ भी आज के दिन फोकस्ड अप्रोच लेकर चलें। जहाँ तक पारिवारिक स्थिरता की बात है, वो बनी हुई है, उसमें कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में, परिस्थितियों में देखने को नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ भी आज के दिन दूर होती हुई नजर आएंगी। और लॉन्ग टर्म अगर प्रोस्पेक्ट्स में देखूं तो काफ़ी ज़्यादा आप स्टेबिलिटी को लेकर प्लानिंग भी कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। खास तौर से आपके निकटतम संबंधियों के स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा चिंता हो सकती है, इसलिए समय समय पर आपको डॉक्टरी परामर्श या निरीक्षण में रखने की अगर ज़रूरत है डॉक्टरी, तो फिर आप रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई नवीनतम नौकरी चेंज करने की इच्छुक हैं या चेंज करी है, तो वहाँ पर आपका बैलेंस बना हुआ नज़र आएगा। डिस्टेंस अगर आपका रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उसमें भी आज के दिन आपकी परिस्थितियाँ सही रहेंगी। कम्युनिकेशन को आपको क्लियर रखना है, क्रिस्टल क्लियर रखते हुए कम्युनिकेशन, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो या आपकी पर्सनल सिचुएशन हो, अगर आप ऐसा ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे तो आपकी परिस्थितियाँ सही होती हुई नज़र आएंगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं मिथुन राशि वालों आपके लिए खत्म हो रही हैं। मन आपका शांत हो रहा है, पॉजिटिविटी आप एम्ब्रेस करते हुए चलेंगे। आपकी सिचुएशंस और ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप सारी सिचुएशंस को और बेहतर तरीके से आकलन करते हुए इसी करंट समय में अगर आप कोई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, उस पर काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं सिचुएशंस को, तो आपकी परिस्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर ये सिचुएशन, परिस्थिति आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी इजाफा करके जा सकती है। समय बहुत अनुकूल है, इसको फॉलो करिए, चलते चलिए, जिससे कि आपको पूर्णता या पूर्ण स्थिरता देखने को मिल जाए। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपके लिए भी आप शुभ संकेत लेकर आ सकती हैं। जो आपकी चिंताएं थी वो अब खत्म हो रही हैं। नए गति के साथ, नए मन के साथ, नई विचारधारा, नई स्रोत के साथ, ऊर्जा के आप आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पर भी आपने काम कर लिया है। कार्य क्षेत्र में विस्तार के आसार बन रहे हैं, चाहे वो आपका निजी व्यवसाय हो या नौकरी हो, दोनों ही तरफ आपकी सामाजिक साख या प्रतिष्ठा बनी हुई है। कुल मिला के समय बहुत बेहतरीन है। इसी तरह से पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करिए और आगे बढ़ते चलिए। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन जल्दबाजी करने से बचें, उन सभी तथ्यों को दोबारा विचारें जहां पर आपको लगता है कि लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड है या आपके सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। सोच के समझ के चीज़ों का अध्ययन करके चलें, जिससे कि परिस्थितियां या पॉजिटिविटी के साथ एम्ब्रेस करें और आप पूरी पूर्णता अपनी चीज़ों में कंप्लीटनेस या स्थिरता लेकर आ पाएँ। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपका मनोबल कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो उस व्यक्ति विशेष से, अवस्था से, सिचुएशन से अपने आप को तत्काल रूप से डिटैच करिए। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता जाएगा। कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। मन शांत रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कंट्रोल्ड हैं, परिवार में भी स्थिरता बनी हुई है। कुल मिला के ज़्यादा इसमें आज के दिन एफर्ट्स या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग करने से भी आज के दिन आप अपने आप को बचा सकते हैं। सिचुएशंस आपके एफर्ट्स के मुताबिक ही चल रही हैं, तो इतना लोड लेने की या नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कल्टीवेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा लाभदायक या पॉजिटिव आज का दिन आपके लिए साबित हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ साथ आपके लिए मानसिक चिंताएं भी बढ़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष के साथ बहस हो सकती है, आपको अन्यथा लिया जा सकता है या मिसअंडरस्टूड आप हो सकते हैं कार्यक्षेत्र में। तो रिटन में कॉम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्रिस्टल क्लियर बात आपकी पहुँचनी चाहिए। जिस तर्क के साथ या जिस तरह से, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वही प्रस्पेक्टिव रखना चाहिए। तो शब्दों का चयन आज के दिन कार्यक्षेत्र के संदर्भ में सोच समझ के करना है। स्वास्थ्य पे भी ध्यान देते हुए चलिए। साथ ही साथ आपका आज के दिन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, तो खान पान पे भी आज के दिन नियंत्रण रखने की, या डॉक्टरी अगर आप संरक्षण या निरीक्षण करवाना चाहें तो बेहतर एक उपाय आपके लिए हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन कुल मिला के आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकता है। मन आपका शांत रहेगा, विचार आपके प्रबल रहेंगे। प्रबलतम सिचुएशन से आप निकल कर आए हैं। काबिले तारीफ है कि आपने इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद सारी सिचुएशंस को, परिस्थिति को अपने अनुकूल किया है। साथ ही साथ लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा या साग आपकी भी बरकरार है। साथ ही साथ कुछ नया कर पाएंगे, कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। क्रिएटिव एक्यूमन आज के दिन आपका हाई साइड पर रहेगा। बिजनेस एक्यूमन तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो कुल मिला के आज के दिन बेहतर तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपके लिए कहीं ना कहीं कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिला के आज का दिन नवीनतम प्रोजेक्ट्स, नवीनतम विचारधारा पे काम करने का हो सकता है। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में फॉर अ चेंज रिलैक्सिंग रह सकता है। रेजुविनेट करने का समय आ चुका है। अपने लिए थोड़ा सा कार्यक्षेत्र से विराम लीजिए, ब्रेक लीजिए। अपनी परिस्थितियों को और स्ट्रांग करने के लिए, अपनी अवस्थाओं को और स्ट्रांग करने के लिए आप मेडिटेटिव जोन में जा सकते हैं। शांति बनाए रखें, शांत रहें। आप अपने अध्ययन करें, अवलोकन करें। आज का दिन अपने आप अपने अकेले में बिताएं, अपने आप के साथ बिताएं, अवलोकन करें उन सभी परिस्थितियों को जो आपको और मानसिक पीस या मेंटल पीस या मानसिक शांति दे सकती हैं। साथ ही साथ आज के दिन कुछ नया करने का विचार आपके मन में अगर इतने दिनों से आ रहा है तो उस पर आप कंट्रोल कर बना पाएंगे, कुछ एक्शन प्लान बना पाएंगे और आगे चल पाएंगे। परिवार के साथ या परिवार के किसी सदस्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक परिस्थितियाँ आने वाली हैं, आप ही के थ्रू एफर्ट से या आप ही के थ्रू दिए गए फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्यता रहेगा। कुछ खास उतार चढ़ाव कार्यक्षेत्र में ना ही आपके रिश्तों में या पारिवारिक स्थिति में देखने को मिलेगा। परिस्थितियां अनुकूल हैं, जैसे चल रही हैं चलने दीजिए। नेगेटिविटी को दूर रखिए, बस मन को शांत रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। जैसे लाइफस्टाइल चल रहा है चलने दीजिए। काफ़ी काबिले तारीफ है कि आप नेगेटिविटी से निकल कर यहाँ पर आए हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा प्रबलतम सिचुएशन को अपने फेवर में किया है। इसी तरह से इसी स्पीड के साथ चलते चलिए जो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। चाहे कोई एक माइलस्टोन हो जिसको आप टच करना चाहते हैं, कोई एक गोल हो, वो सारी सिचुएशंस अवस्थाएं आपके लिए पूर्णता या पूर्ण रूप लेकर सामने आने वाली हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में विस्तार का सबब लेकर आ सकता है। नौकरी चेंज करने के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं। सरकारी सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, कंट्री से बाहर जाने के इच्छुक हैं। सारी सिचुएशंस परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। साथ ही साथ आप सभी उन तथ्यों को भी रिव्यू कर पाएंगे जो इतने दिनों से आप सोच रहे थे कि आप एड्रेस करेंगे और चलते चलते वो परिस्थितियों में विराम लग पा रहा था या लग जा रहा था, या फिर आपको समय नहीं मिल पा रहा था उन तथ्यों को रिविजिट करने का। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा समय है, परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं। इसी तरह से पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, चलते चलिए। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक ऋण या समस्या या पारिवारिक जो डेट है वो भी अब पॉजिटिविटी के उसमें आएगा, यानी कि आपके ऋण को रीपे करने के, लोन को रीपे करने के रास्ते तैयार होते हुए नजर आएंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या खुद का कंस्ट्रक्शन अगर आपने ले लिया तो उसका भी स्टार्टिंग हो सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित मैटर्स में आपको आज के दिन शुभ संकेत या शुभता देखने को मिलेगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज का दिन की अगर मैं बात करूं तो कार्यक्षेत्र में प्रमोशन, प्रोफाइल चेंज, कुछ नया बेहतरी आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है, उन्नति हो सकती है, आपको सराहा जा सकता है, आपके एफर्ट्स की तारीफ हो सकती है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी इजाफा होते हुए देखेंगे। कार्यक्षेत्र में तो साख होते हुए आप बढ़ोतरी देख ही रहे हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा समय चल रहा है। विचारों को प्रबल रखिए, प्रबलतम शिखर पे अगर आप चलना चाहते हैं, पॉजिटिविटी इम्प्रेस करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा समय है, चलते चलिए, जिससे कि आप अपनी सिचुएशंस को बैलेंस कर पाएं। ओवरऑल अगर मैं देखूं, इन टोटैलिटी बैलेंस अप्रोच रखते हुए चीज़ों का अध्ययन करना है। आज के दिन अपने निजी जीवन से संबंधित कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं, उस पर अगर आप काम करेंगे तो परिस्थितियाँ अनुकूल होते हुए नजर आएंगी। कुल मिला के सर्वोच्च शिखर पर आप प्रोफेशनली पहुँचने के कगार पर अब आ चुके हैं। आपके द्वारा लिया गया कोई प्रभावशाली, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण डिसीजन आज के दिन आपके और आपके परिवार के लिए स्थिरता ला सकता है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।